सईदा जी, जब मूवी कप्तान वाज ऑफर्ड टू यू, क्या फीलिंग थी कि इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर आपसे प्ले करवाना चाह रहे हैं? मुझे पहले नहीं बताया गया था कि ये फिल्म खान साहब पर है. कैरेक्टर नहीं बताया गया था. मुझे अभी तक याद है जब मैंने अपनी माँ को कॉल किया था और उनको बताया कि मैं पाकिस्तानी फिल्म कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा परेशान हो गई थी कि ये कैसी फिल्म होगी. रिहर्सल्स हमारी स्टार्ट हो गई थी, उसके बाद फिर हमें फाइनली बताया. हालांकि आपका डेब्यू भी फिल्म से ही है. हाँ, फिल्म से ही हुआ था, कप्तान से हुआ था. बट देन जब मुझे पता चला था, आई वाज वेरी हैप्पी. बट मुझे ये आइडिया नहीं था कि जब ये चीजें आगे होंगी तो इतना हाइप क्रिएट करेगी. कभी मिली तो नहीं हुई ना? नहीं, उनके साथ मेरी ईमेल पर बात हुई थी एंड शी एक्चुअली अप्रिशिएटेड कि यू नो आई एम रियली हैप्पी टू सी अ प्रीटी गर्ल पोर्ट्रेइंग माय रोल 2013 में. कैसे ब्रीफ किया गया कि जमाई साहिबा कैसे चलती हैं, कैसे बात हैं? 6 months की रिहर्सल्स थी हमारी. पहले तो एक्टिंग की क्लासेस हमें दी गई थी. फिर मुझे बताया गया था कि भाई ये इंटरव्यूज देखो, ये देखो किस तरीके से हैं. मेरे बाल काटे गए थे बकायदा. सैक्रिफाइस बहुत करना पड़ा. आउटर लुक तो चलो समहाउ द अदर, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं और गेटअप देने वाले लोग बहुत अच्छे हैं, वो कर देते हैं. लेकिन एक कैरेक्टर को अंदर से करना, और वो भी इतने इम्पोर्टेंट कैरेक्टर को, ये तो बड़ा मुश्किल काम है. जब तक आप जिन का किरदार आप कर रहे हैं, जो कि जिंदा है, जब तक आप उनको मिले नहीं, उनको जाने नहीं, सो मेनी थिंग्स ऑफ द पर्सनालिटी. इनफैक्ट वो किसने ब्रीफ किया आपको? मुझे बकायदा उन लोगों ने होमवर्क दिया था कि ये इंटरव्यूज देखें, ये क्लिप्स देखें, किस तरीके से वो बात करती हैं, पॉस्चर कैसा है उनका, ये सारी चीजें. जबकि खान साहब जो बने हुए थे मनान, वो तो बकायदा वहां जाते थे, उनकी स्पीचेस देखते थे बैठकर. उनको ये दिया गया था, उनको लेकर जाते थे. वैसे मैंने जुमैमा का इंटरव्यू भी किया है और मैं उनको मिला हुआ भी हूँ. अमेजिंग पर्सन, दैट्स व्हाट आई हैव हर्ड. इतनी खूबसूरत पर्सनालिटी है और इतनी पॉजिटिव एंड अपराइट, ये कम लोग हम जिंदगी में मिलते हैं ऐसे. वाह वाह वाह, वेरी डाउन टू अर्थ, इसमें कोई शक नहीं है. एंड आई थिंक असूलन इनको उनको मिलना चाहिए था. दैट दिस इज व्हाट आई वांटेड टू आस्क एक्चुअली, क्योंकि बड़ा फर्क पड़ जाता है. आप जो तकरीरें सुन रहे होते हैं और वैसे जाके मिलने में जमीन आसमान का फर्क है. आगे क्या कर रहे हो आप? आगे क्या आने वाला है? मॉडलिंग तो आपकी चल रही है. आर यू डूइंग एनी प्लेस एज वेल? नहीं, प्लेस नहीं कर रही. कोई ऑफर देगा तो करूंगी. अभी आपने किसी फिल्म में टाइटल किया है? कुल्फी. हाँ, जिसमें उज्मी भी है. मेरे भाई बने हुए हैं और आई थिंक पूरी फिल्म में आई थिंक एक ऐसा सीन था जहाँ ये बेचारे मर रहे हैं, तो उसमें मेरी आंखों में से असली आंसू निकल आया. मैंने ग्लिस्टरीन यूज नहीं किया. और एक वो कहते ना कि बहन बोल रहे मुझे, भाई बोल रहे, तो वो एक चीज मुझे ये याद. उस बात को वहीं तक रखिएगा. इतनी अच्छी दी आपने, आंसू आ गए. आपके पास भी कैरेक्टर था, आप रियल मरे. हमें ये भी सुनने को मिला कि उस मूवी में आपने एक्शंस भी सारे जो स्टंट्स हैं वो सारे खुद किए मैंने. जी बिल्कुल किया. कराची के रोड्स के ऊपर मैं बहुत भागी. मतलब मैं इतना भागी हूँ कि शायद जिंदगी में इतनी. कराची में जो भी आता है वो भागता ही है या कराची से भागता है फिर. मैंने सारे स्टंट्स खुद किए, जबकि वो मुझे कह रहे थे डबल बॉडी करने के लिए. बट आई डिडंट डू दैट. आपको पता है कि मुबस्सिर साहब भी इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से? बिल्कुल पता है, मैंने इनके साथ इनके प्रोडक्शन का ही प्ले किया हुआ है. वाह वाह. और वो भी है, पहले काम किया हुआ सर, पता ही नहीं. बिल्कुल किया है. ऐसे ही नहीं, ऐसे ही चल रहा है कि तुम पहली बार ऑन एयर गए. ये कौन सा काम है जो ऑन एयर? वो सरकार में. सरकार में वो पॉलिटिक्स के ऊपर ही था. हॉरर मूवी भी कर रही है आप? क्यों करती हैं? नहीं, शादी तो नहीं करी. टेल ऑफ मर्डर के नाम से बात करी. शॉर्ट फिल्म की थी. हाँ. बकायदा मैं इंडिया में 4 साल रही हूँ, बैक एंड फोर्थ ट्रैवलिंग. मैंने एक शॉर्ट फिल्म की थी वहाँ. 4 साल चलती रही वो शॉर्ट फिल्म? नहीं, मैं वहाँ स्टे कर रही थी. आई वाज इन श्योर कि मैं पाकिस्तान आकर यू नो स्टे करूँ, क्योंकि उसका कप्तान मैंने कंप्लीट कर ली हुई थी यू नो. और ग्रूमिंग भी उस वक्त इस तरीके से नहीं थी. एंड आई गेस फिर मुझे ये हुआ कि यू नो आई शुड जस्ट कम बैक एंड देखते हैं कि क्या है. क्या मुबस्सिर साहब, ऑन अ सीरियस नोट, अगर लिटिल बिट अगर कहें, व्हाई आर यू एब्सेंट जहां तक मेन स्ट्रीम का ताल्लुक है और नहीं नजर आ रहे किसी चैनल? टू रीजंस. वन, या तो मुझे एडिटोरियल फ्रीडम मिले और या मेरी मर्जी के पैसे मिले. यू डोंट नीड फ्रीडम. आप तो पहले भी बड़ी फ्रीडम. नहीं नहीं नहीं, आप नहीं देते ना. आप सारे चैनल्स के अपने अपने एंगल्स हो गए हैं, हर एक किसी पार्टी के साथ अलाइंड हो गया है, कुछ हो गया, माने या ना माने. अच्छा, सो फिर ये कहना गलत नहीं होगा कि हमारी जो खबरें हैं या जो हम प्रोग्राम्स करते हैं वो बड़े अनबाइस्ड है? नहीं, तो बाइस्ड है टोटल. हाँ. और पैसों के मामले में क्या कहते हैं? हाँ. कहते हैं पैसे ले राहत मुल्तानिकर वाले, परफॉर्मेंस ले राहत फतेह अली खान वाली.
अगर आपके साथ ये हो रहा है जिनके यार गार और दोस्त और वजीर आजम रहे हों, तो फिर तो बात यह है कि अभी मुझसे थोड़ी देर पहले यह सवाल किया और मैं बता रहा था कि देयर इज नो सच थिंग एज प्रेस फ्रीडम ओवर हियर और मीडिया फ्रीडम. मैं आपको रीजन बताता हूँ. मीडिया फ्रीडम वो होती है कि जब आप अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के खिलाफ खुलकर बात कर सके. कि मैं अगर लोगों को बताऊं ये बेवरेज है, ये ड्रिंक है, ये सेहत के लिए मुजर है, अगर मैं उसका नाम लेके बता सकता हूँ, इसमें इतना चीनी का कंटेंट है, ये वो, बिल्कुल ठीक बात, तब मीडिया फ्री है. ये नहीं है फ्रीडम कि मैं आपका मजाक उड़ा रहा हूँ, आप इनको कुछ कह रहे हैं. फ्रीडम है कि आप कमर्शियल इंटरेस्ट के बारे में, ये सात हाउसिंग सोसाइटी है, ये जाली है, इनके पास एनओसी नहीं है, ठीक है ना, कोई भी. और जब आप वो बता सके तो फिर आप फ्री हैं. ओके, वाह 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 वाह. तो इसका मतलब है कि मीडिया फ्री नहीं है यहाँ पे. तो इतनी पोलराइजेशन है कि भाई किसी और सूबे के एडवर्टाइजर नहीं हमें मिलते. आप कैसी बात कर रहे हैं, कौन सी फ्रीडम? नहीं तो आप कप्तान साहब से ये भी फ्रीडम का हक नहीं ले सकते. कप्तान साहब एक दफा मेरे से नाराज हो गए बहुत, हालांकि उनके वो बहुत नाराज हो गए. मुझे कहते हैं मोरा के ख्याल है भाई यू टर्न लेता हूँ. मैं कहा नहीं सर, अल्लाह की कसम आप तो राउंड अबाउट पे हैं, टर्न तो ले ले यार. अच्छा ये तब्दीली कैसे आई सर, इतनी दोस्ती धरनों में, इतना पेश पेश? देखें होता क्या है कि why he didn't agree with anything you asked for. नहीं ask क्या करना, मेरा मतलब है बताएं ना मैंने क्या मांगा. हाँ यू नो पहले तो ये बताएं, मैंने अगर कुछ मांगा ही नहीं है. हाँ because आपके even the YouTube channel as well, अगर उस पे भी हम content देखें तो वो NTPTI होता है सारे के साथ mostly. नहीं मेरा YouTube का जो content है, मैं आपको बताता हूँ एक बात. अगर एक government बार बार कह रही है कि अब महंगाई नहीं होगी, हम काबू पा रहे हैं, और हर 15 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो रहा है, महंगा हो रहा है, तो मैं उसकी तारीफ तो नहीं कर सकता. आई एग्री, आई एम अ सिटीजन एज वेल, आई एग्री. तो मैं पीटीआई की मुखालफत नहीं कर रहा, मैं उसकी गवर्नेंस को एक्सपोज कर रहा हूँ. ओके, मैं कह रहा हूँ कि जो आपने वादे किए हैं उन वादों में से 20% पर तो एक्ट कर जाओ. तो इसका मतलब है आप बिल्कुल मुतमईन नहीं है कप्तान साहब से? नहीं है, उसकी रीजन है कि जिन लोगों के खिलाफ हम लोग धरने में खड़े थे वो लोग तो हुकूमत चला रहे हैं. वही लोग तो हुकूमत में जो 2013 के धरने में हमें बुरा भला कहते थे टीवी पे बैठ के. वेरी वैलिड पॉइंट. जिन लोगों के खिलाफ धरने हुए थे वो सब हुकूमत में बैठे हैं, तो पीछे की रह गया. छोटी सी ब्रेक लेते हैं जी, सरकार में दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं जी. सरकार में एक मरतबा फिर से खुश आमदेद. मुबशर लुकमान साहब, सईदा इम्तियाज साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं. सर अभी ब्रेक में जाने से पहले आपने कहा कि जिनके खिलाफ धरने दिए जा रहे थे वही तो सारे हुकूमत में हैं, तो ये खान साहब ने सोचा नहीं था या ये लोग उन पे थोपे गए हैं या क्या है? देखिए मैं इधर आ गया हूँ ना आपके सेट पे, अब जब मैं आ गया हूँ तो मैं जिम्मेदार हूँ. नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर वॉट एवर आई से. वाह वाह. जब मैं खरा सच करता हूँ और मुझे लॉ सूट आते हैं उसके ऊपर या धमकियां आती हैं, ये होता है. ये नहीं मैं कह सकता ये तो मेरे रिसर्चर